गुड मॉर्निंग ऑल, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम ऑब्जेक्टिव नंबर 1, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो फिगर शो 3 ट्रांसपेरेंट मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस म्यू 1, म्यू 2 एंड म्यू 3। ठीक है, तो इस स्फेरिकल सरफेस के लेफ्ट साइड में म्यू 2 मीडियम रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर म्यू 3 है, ठीक है, और यहाँ पर इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे क्या है, म्यू 1 है। ठीक है, अब ओ ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, जो ये है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, म्यू टू वाले मीडियम में रखा हुआ है, यानी कि सरफेस के लेफ्ट साइड में। अब क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन वो है वो ये है, इफ़ द एंटायर मीडियम ऑन द राइट साइड ऑफ द स्फेरिकल सरफेस हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1, द इमेज फॉर्म्स एट ओ डैश। तो अगर इस पूरे रीजन में स्फेरिकल मिरर के राइट साइड में सिर्फ म्यू 1 होता तो इमेज कहाँ बनती, यहाँ पर बनती, ठीक है। और अगर एंटायर मीडियम हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 3, अगर इस पूरे रीजन में अगर म्यू 3 होता तब इमेज कहाँ बनती, यहाँ पर बनती, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो क्या है कि भैया प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर म्यू 3 है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे म्यू 1 है। तो अब बताओ कि इमेज कहाँ कहाँ पर बनेगी। तो देखो भाई, रिफ्रैक्शन कैसे होता, अगर सिर्फ और सिर्फ म्यू 3 होता तो रिफ्रैक्शन होता ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके का, और सिर्फ म्यू 1 होता तो रिफ्रैक्शन कैसा होता, ऐसा होता, ठीक है। अब सोचो है क्या सिचुएशन, ऊपर म्यू 3 है तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रिफ्रैक्शन कैसे होगा, लाइट ऐसे जाएगी, ठीक है, और ऐसे जाएगी, जबकि और भी बहुत सारे रे बनाना चाहो तो बना लो, ये सारी की सारी रे यहाँ जाके मीट करेंगी, ठीक है, ऑलमोस्ट पैरेक्सियल रे होती हैं ये सब, है ना, ऐसे मीट करेंगी जाके O3 में। लेकिन जो लाइट रेज नीचे से आएंगी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली जो लाइट रेज हैं, अब भाई यहाँ तो मीडियम म्यू 1 है ना, तो ये लाइट्स यहाँ जाके कन्वर्ज करेंगी, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अभी भी दो इमेज बनेगी, कहाँ कहाँ पर बनेगी, मतलब अभी उन्हीं पॉइंट्स पे इमेज बनेंगी, ओ डैश पे और ओ डबल डैश पे, पर दो बनेंगी, ठीक है ना, लेकिन उसकी इंटेंसिटी भाई अलग अलग आएगी। जो पहले इंटेंसिटी आ रही थी ओ डैश पे और ओ डबल डैश पे, अब उतनी इंटेंसिटी नहीं रहेगी, क्योंकि आधी लाइट रेज यहाँ जाके कन्वर्ज हो रही हैं और आधी रेज यहाँ जाके कन्वर्ज हो रही हैं जो नीचे वाली, तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी का डिफरेंस रहेगा, ठीक है ना। जो ओरिजिनल इंटेंसिटी है इमेज की, जब पूरे में एक ही मीडियम हो, जब एक ही इमेज बन रही है, तो वो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और यहाँ पर जो दो इमेज बनेगी उनकी इंटेंसिटी कम होगी, लेकिन बनेगी तो दो इमेज। तो इस वजह से डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, थैंक यू।